दोस्तों कुछ बातें पूछ लेता हूँ सर, ध्यान से सुनिए बेटा, कुछ बातें पूछ लेता हूँ सर। आप लोगों को फ्यूचर रेशियो का पता है? कोई अमन, कोई बात नहीं अमन, आपको फ्यूचर रेशियो का पता है, यस और नो? फ्यूचर रेशियो यस होना चाहिए सबका जवाब। फ्यूचर रेशियो का पता है? थैंक यू अमन। 1 मिनट भाई, कोई बात नहीं राशि, कोई बात नहीं बेटा, अगर नहीं रिप्लाई करना तो चलेगा, कोई बात नहीं, मतलब अगर अनस्टेबल है तो रिप्लाई ना भी करूँ चलेगा। अच्छा, मैंने पता नहीं कान में क्यों ईयरफोन्स लगा रखे। उसके बाद अगला जो पॉइंट था मेरे पास, फ्यूचर रेशियो का सबको पता है, प्रीमियम किस रेशियो में बढ़ता है? प्रीमियम किस रेशियो में बढ़ता है? जल्दी बताओ, प्रीमियम किस रेशियो में बढ़ता है? एवरीबॉडी इन द बैच, प्रीमियम किस रेशियो में बढ़ता है? अब कृतिका बेटा, अगर आप नहीं आए थे, आप एक बार जरा मुझे बता तो देती यार, मैं आपको बता देता कौन सी वीडियो है, कहाँ से मिलेगी, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास थी बेटा। चलो खैर, कोई बात नहीं, जो भी है, मुझे प्लीज यार बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है, हम लोग एक लिमिट तक ही आप की मदद कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको भी हाथ बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा, और इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो हमारी पिछली क्लास से है बेटा। मतलब अब क्योंकि एमसीक्यूज है बेटा, तो आप लोग इसकी गहराई को समझिए कि कॉन्सेप्ट्स कितने गहरे, मतलब कितनी गहराई आपको जरूरत है कॉन्सेप्ट्स की। एनीवे, मैं आपके साथ आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आपके साथ आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। कौन कौन ऐसा बच्चा है जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी मेरी? एक बार मी लिख दो, कौन से ऐसे बच्चे जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी? रिटेन वाला कॉन्सेप्ट बता दो, कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी? रिया बेटा, मैं एंड में अगर टाइम बचता है जैसे ही, मैं तब बता दूंगा आपको एक बार, ठीक है? बताओ भाई, सबने देख लिए? अच्छा, ठीक है, ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं। और चलो क्वेश्चन नंबर 5, फोर्थ तक हो गया था, फोर्थ तक हो गया था। एक काम करता हूँ, एक मैं जरा आपको मतलब वार्म अप, WARM, वार्म अप क्वेश्चन दे देता हूँ एक, ये आपका वार्म अप क्वेश्चन है, इससे थोड़ा सा आपको याद आ जाएगा पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था। वार्म अप क्वेश्चन है बेटा, ए बी सी हमारे पास आता है 1/5 शेयर के लिए, 3:2 की रेशियो है, ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो क्या मानोगे, 3:2 या 1:1? बताओ बेटा, 3:2, 1:1, बहुत बढ़िया, 3:2। बंदा कैपिटल के लाता है रुपीस 40,000। अच्छा, अब आपको पता है ना कि दो चीजें होती हैं, एक मिनट बेटा, 1 मिनट, अब आपको पता होगा दोस्तों, दो चीजें होती हैं, एक होता है गुडविल ऑफ फर्म और एक होता है शेयर ऑफ गुडविल। कौन से में, ये 1 है ये 2 है, कौन से में हम लोग 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में के 2 में? कौन से वाले में हम 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में के 2 में? लॉजिक सबको पता है, लॉजिक सबको पता है ना, क्योंकि 1 तो चलो कोई भी बोल देगा, लॉजिक पता होना चाहिए बेटा, लॉजिक सबको पता है? अबे यस तो बोल दो, ठीक है, तो यहाँ पर चलो ठीक है, मैं आपको शेयर ऑफ गुडविल देता हूँ, ये है 10,000 रुपए। क्या आप बता सकते हो गुडविल ऑफ फर्म के, क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है ना बेटा, क्या आप बता, देखते कौन सबसे पहले बताएगा, क्या आप बता सकते हो गुडविल ऑफ फर्म कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म? एमसीक्यू में कुछ भी आ सकते हैं बेटा, आपको अपना दिमाग सॉलिड रखना पड़ेगा। व्हाट इज द गुडविल ऑफ फर्म? अबे इतना टाइम थोड़ी लगाना है इस क्वेश्चन में, जल्दी बताओ।
वॉट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म? ओके प्रिया सही जवाब, एडी सही जवाब, राशि सही जवाब। लेट आ रहे बेटा, वैसे आप लोग 50 जो कह रहे हो सही है, लेकिन आपको ही पता आपने लेट जवाब दिया। ठीक है, एनीवे दो एंट्रीज दोस्तों, जल्दी से वार्म अप क्वेश्चन है, दो एंट्रीज जल्दी से करें। वार्म अप क्वेश्चन है, दो एंट्रीज जल्दी से करें। रिया खन्ना आप कुछ बोल रहे थे क्या बेटा? ओके ठीक, वार्म क्वेश्चन दोस्तों जल्दी से करें। कोई बात नहीं रिया, वेरी गुड कशिश, वेरी गुड एडी, वेरी गुड रिया भरद्वाज, वेरी गुड प्रिया। चलो चलो जल्दी खत्म करो बेटा, जल्दी से एवरीबॉडी इन द बैच। कृतिका आपको आता है ये? ओके डन। क्रिस, प्रसन्नजीत, रिया, नैन्सी, बहुत बढ़िया बच्चों। कृतिका नहीं आता, तो जब मैंने बोला कि लास्ट क्लास उसने नहीं ली थी तब क्यों नहीं जवाब दिया बेटा? मतलब ऐसे इंडिविजुअली हर बच्चे को थोड़ी ना यार पिन पॉइंट कर सकता हूँ मैं, मेरी भी तो लिमिटेशन है। मतलब सारी हमारी जिम्मेदारी होती है बेटा, बच्चे को भी जिम्मेदारी नहीं। चलिए चलो देखते हैं बेटा, अभी आज आपको कुछ समझ नहीं आएगा बेटा। नवीन तू भी नहीं था शायद लास्ट क्लास में, तू भी नहीं था ना? मतलब ये काम थोड़ी ना मेरा है मैं हर बच्चे को इंडिविजुअली ऐसे करके बोलूं भाई, अगर नहीं तो खुद जवाब दो ना, कुछ बोल ही नहीं रहा नवीन। मतलब हाँ सर मतलब था कि नहीं था? मतलब हाँ क्या होता है, था कि नहीं था? ठीक है ओके, भाई को वैक्सीन, मैं अपनी वैक्सीन लगा ले अकेले लगाने गया था बेटा, नहीं था। ठीक है, आप लोगों ने मेरे से कोऑर्डिनेट क्यों नहीं करा बेटा? जितने बच्चों ने कोऑर्डिनेट कर मेरे से, मतलब पांडे जी से बात हो गई वो एक अलग चीज है, मेरे से कोऑर्डिनेट क्यों नहीं करा? ऐसा नहीं होता यार, अगले दिन बैकअप होता है, पांच बैच होते हैं मेरे, पागल थोड़ी ना हूँ मैं बेटा जो पांच पांच बैच खोल के बैठा हूँ। अगर ऐसे नहीं लेनी है तो मैं सारे बच्चों को एक ही बैच में भर देता हूँ, 100 सवा 100 बच्चों को एक ही बैच में भर देता हूँ मैं 5 बार एक ही चीज 5 बार ही पढ़ाता हूँ एक दिन में, इसीलिए तो पढ़ाता हूँ। चल खैर कोई बात नहीं, क्या डांटूँ, वैसे ही तुम लोग पिलते रहते हो, मैं भी डांट दूंगा तो क्या ही जिंदगी में। कैपिटल में आ जाएगा 40,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, बस ये दोनों का तो मुझे ध्यान था भैया, और अगर और भी कोई ना आया हो तो मुझे बता देना भैया डाउट नंबर में। संडे का भी दिन था तुम्हारे पास, कम भक्तों ऐप दे रखी है मैंने, पाक क्यों दे रखी है यार? महीने का 50,000 खर्च करता हूँ मैं ऐप को मेंटेन करने में, क्यों करता हूँ तुम लोगों के लिए? मतलब ये सब चीजें बताने लायक नहीं है मुझे पता है, बट स्टिल मैं बता रहा हूँ आपको, इसीलिए ऐप बना रखी है मैंने। हाँ ग्लिचेज हैं थोड़े बहुत, ठीक है वो तो अमेजोन में भी है। ठीक है प्रीमियम फॉर गुडविल, उसके बाद भी सब कुछ दे रखा है तुम्हें, उसके बाद भी तो आई एम साउंडिंग लाइक माय पेरेंट्स यार, हर चीज दे रखी है उसके बाद भी तुम स्कोर नहीं करते। ओ शिट, व्हाट हैव आई डन टू माय सेल्फ टू एस कैपिटल टू बी इस कैपिटल, 3:2 में होगा। हाँ हाँ रिया यार रिज्वाइन कर ले बेटा, रिज्वाइन कर ले, 6,000 रुपए, 4,000 रुपए। तो बेसिकली एक वार्म अप टाइप का क्वेश्चन था बेटा ये, और इसमें आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। ठीक है आइए,
क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ चलते हैं, बच्चों वाला है, बच्चों वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर वार्म अप क्वेश्चन तो आई बिलीव हो गया होगा सबका। आइए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ दोस्तों, कॉन्सेप्ट अगर समझ नहीं आएगा ये सब आपको अजीबो गरीब चीजें लग रही होंगी। अभी मैं जरा आप लोगों से बात भी करूंगा, ठीक है, प्रेस एंड कृतिका एंड नवीन बात भी करूंगा मैं आप लोगों से, ठीक है, तो टाइप वाइप करना जब जल्दी जल्दी से। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, क्या दूं अब मैं आपको, ठीक है, ए बी सी, ऐसी जस्ट फॉर फन एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। ए बी सी पार्टनर्स है, 3:2:1 रेशियो है, डी आता है 1/8 शेयर के लिए, ठीक है, कैपिटल लाता है 30,000 रुपए एंड गुडविल ऑफ फर्म है मेरे पास 40,000 रुपए। क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से देखना दोस्तों, मजेदार पॉइंट है, सी रिटेन्स हिज शेयर, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है दोस्तों, सी रिटेन्स हिज शेयर, ठीक है। कितने बच्चे चाहते हैं कि सर हिंट दे दो, मैं हिंट दूंगा बस, कितने बच्चे कह रहे हैं कि सर हिंट दे दो कि ये क्या मतलब है इसका, एक बार मी लिख दीजिए, कितने बच्चे कह रहे हैं हिंट दे दो भाई। सी रिटेन्स हिज शेयर, तुम लोगों ने शायद बचपन में ना WWE नहीं देखी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक बात सुनो, मैं एक एग्जांपल दूंगा दोस्तों आप, ये है जॉन सीना, बचपन के आप, मैं अपने रेसलर्स के नाम बता रहा हूं, और ये है रॉक, जॉन सीना है वर्ल्ड चैंपियन और उसकी रॉक के साथ लड़ाई हुई। अगर रॉक हार जाता है तो WWE में बोलते थे जॉन सीना रिटेन्ड हिज वर्ल्ड चैंपियनशिप, तभी बोलते हैं बचपन में WWE देखना चाहिए, घर वाले कहते हैं बिगड़ जाते हैं बच्चे, वैसे और नहीं बिगड़ेंगे हैं। चलिए, तो आई बिलीव आपको रिटेन का मतलब समझ आ गया, रिटेन का मतलब होल्ड रखना, तो सी रिटेन्स हिज शेयर, सी अपना शेयर रिटेन रखता है, खुद सोच के देखिए तो सैक्रिफाइस किसने किया होगा और किस रेशियो में किया होगा, बोलिएगा मत, खुद बुद्धि लगाइए, किसने किया होगा और किस रेशियो में किया होगा, मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों, देर आर सम थिंग्स यू नीड टू ब्रेक योर सेल्फ, जल्दी करिए। हाँ जी, अरे तो कृतिका आपके पास ऐप की सब्सक्रिप्शन है, नवीन आपके पास ऐप की सब्सक्रिप्शन है, अभी आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, उतारने की भी कोई जरूरत नहीं है, जल्दी बताओ क्या आपके पास ऐप की सब्सक्रिप्शन है, नवीन के पास नहीं है, तो गधे तेरे को जब इतने टाइम से मैं बोल रहा हूँ कि कर, बता दो तब क्यों नहीं बताता है भाई, कमाल है नवीन यार, क्या करूं भाई, तो मुझे तो लग रहा है कि तेरी ऐसी इंटेंशन लग रही है कि सर यार मेरा पेपर ना आप ही जाके दे आओ यार, मैं तो पेपर भी नहीं देने जा रहा, सर आप ही दे आओ। कृतिका बेटा ऐप है उसके बाद, चलो ठीक है नवीन तो नलायक, उसके तो ऐप ही नहीं है, तुम्हारे पास ऐप है उसके बाद भी तुमने वीडियो नहीं देखी, वैसे फ्राइडे वाली वीडियो डली भी नहीं है शायद, आई डोंट नो, चलो फ्राइडे वाली वीडियो नहीं डली है, ये भी पॉइंट है। जल्दी से मुझे डाउट नंबर पे दोनों हाय भेजो, मतलब अपना नाम लिख कर भेजो डाउट नंबर पे, जल्दी से नवीन और कृतिका डाउट नंबर पे मुझे अपना नाम लिख कर भेजो जल्दी, डाउट नंबर तो मतलब फोन वगैरह तो है ना आसपास, दिस इज द लीस्ट आई कैन डू राइट नाउ, ओके आपने भेज दिया बेटा, हाँ जी बस एक ही का हुआ है अभी तक, नवीन
और कितनी मदद करूं भाई, घर आ जाऊं तेरे। ठीक है, प्रिया का हो गया, रिया का हो गया, या भरद्वाज। और भाई जल्दी बताओ भाई बाकी का, ये कुछ अच्छे अच्छे बच्चे भी भेज दिया तूने भी, ये कुछ अच्छे अच्छे बच्चे भी नालायक होते जा रहे हैं है भाई। ठीक है भाई, पिटाई होनी है सबके। अच्छा देखिए ध्यान से, कैश सीज कैपिटल। अच्छा कर लिया बट श्योर नहीं हो। अच्छा कोई बात नहीं, हम केबीसी खेल रहे हैं ना, प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ पर है 30,000, 5,000, 35,000। ठीक है दोस्तों, ऑलवेज ट्राई टू चैलेंज योर सेल्फ बेटर। कैश टू सीज कैपिटल प्रीमियम फॉर गुडविल। अरे हाँ डी होगा, नाइस नाइस, थैंक यू रिया। कैश डीज कैपिटल प्रीमियम, हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ डी डी लिख दिया, सॉरी है सॉरी। ठीक है जी, कैश डीज कैपिटल प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो बटेगा जरूर, बता दो बेटा किस कि, किस किसके बीच बटेगा। रेशियो तो पहले बात की बात, किस किसके बीच बटेगा, एबीसी या और कुछ और, मैं नहीं बता रहा भाई आप बताओगे किस किसके बीच बटेगा। बहुत बढ़िया, टू ए टू बी, 3:2 के रेशियो में बटेगा, 3,000 2,000। रिया भारद्वाज ने आज क्वेश्चन आते ही एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे, सर रिटेन वाला बता दो। दोस्तों मैं नहीं बताऊंगा आपको, मैं सिर्फ अब आपको हिंट्स दूंगा बस। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, रेशियो तो चलो ठीक है, आप एक बात बताइए कि आप न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप नो बोलते हो तो चलो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यस बोलते तो अच्छी बात, मैं नहीं बताऊंगा आपको। क्या आप इसमें न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, यस और नो, जल्दी बताए दोस्तों, क्या न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है यस, ऑब्वियस सी बात है यस, आपको करना ही चाहिए दोस्तों। भैया डी 1/8 शेयर के लिए आया, सी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है तो सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए भी कर रहा है, 3:2 के रेशियो में कर रहा है, दैट्स इट। ए और बी की सैक्रिफाइस निकालो, न्यू में से माइनस कर दो, काम खत्म, खुद करिए दोस्तों। जॉन सीना वाला एग्जाम्पल अच्छा था ना, ऐसे मेरे दिमाग में आ गया और तो मैंने जॉन सीना वाला एग्जाम्पल बना दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा दोस्तों। यार अभी तक तो मैंने अच्छा, भाई साहब बस की है तो अगला क्वेश्चन करके चलो, ये वाला आसान देता हूँ। ए बी 3:2, सी नया पार्टनर आता है, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो इज 5:3:2। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। कैपिटल ये लाता है सी, ये सी दे रखा है, कैपिटल लाता है ये 40,000, एंड गुडविल ऑफ फर्म दे रखा है आपको 50,000। दो एंट्रीज दोस्तों, दो एंट्रीज। अच्छा, एक मिनट, प्रीमियम किस रेशियो में बढ़ता है, प्रीमियम किस रेशियो में बढ़ता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, क्या इस क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्या इस क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, नहीं। कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, चलो शाबाश, हो जाओ शुरू, हो जाओ शुरू। सी के नीचे क्या लिखा है, कैपिटल, ये है कैपिटल और गुडविल ऑफ फर्म। रिया भरद्वाज देखो बेटा, लड़कियों के ऊपर वैसे तो मैं हाथ नहीं उठाता, लेकिन बेटा अगर ये आप ना मेरे सामने अगर बोलती ना बेटा, एक आध चपेट तो पड़ी जाती बेटा। ओल्ड प्लस होगा या माइनस होगा बेटा, बताओ बेटा, रिया प्लस होगा कि माइनस होगा बेटा, बताओ, ये चपेट वाली चीज है कि नहीं है बेटा। क्या मैं अगली बार जब भी आप मिलोगे क्या मैं एक चाटा मार सकता हूँ आपके, यस हाँ, तो मेरे से भी भाई मिस्टेक ही लग जाएगा बेटा। चलो जल्दी करो,
बात नहीं बेटा, नवीन और कृतिका मैंने एक मैसेज सेंड किया है, एक बार जरा पढ़ लो उसे अच्छे से। डन, बाकी सब भाई डन 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 कर रहे हैं, जल्दी बेटा जल्दी करो। यश आर्यन हो रहा है बेटा, वंश जल्दी कर, अब तक हो जाना चाहिए था तेरा। ऋषभ हो रहा है, भूमि हो रहा है बेटा, अनन्या, अमन, आयुष्मान हो रहा है। लीव करके वो रिकॉर्डिंग एग्जैक्टली नवीन, मतलब इट्स योर कॉल, अभी बैच लेने का कोई लॉजिक नहीं है, कम से कम तू वही वाली वीडियो देख ले। ठीक है, हो रहा है सर, ठीक है बेटा। हाँ जी, चलो एक बार करते हैं, काम करते हैं जरा। यार ए का तो है 1/10 का सैक्रिफाइस, बी का है 1/10 का सैक्रिफाइस, और सी का ऑब्वियसली गेन है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बताओ यार, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ रही है, मतलब 1/10 इज टू 1/10 लिखोगे या 1:1 लिखोगे, जल्दी बताओ। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1, ठीक है, ओके, ठीक है। अब इसको ना मैं दो तरीके से, इस क्वेश्चन को आपको दो तरीके से करके दिखाऊंगा, दोनों तरीके इंपॉर्टेंट है बेटा। कैश टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000, 10,000, 50,000, प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 टू ए टू बी। अब ए बी का कैलकुलेट करने का बेटा दो तरीका है। पहली बात, 10,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर दो 1:1 के रेशियो में, मतलब कि 5,000 5,000। दूसरी बात यार, आप लोगों ने गेन डेबिट सैक्रिफाइस वाला लॉजिक पढ़ा था, बताओ बताओ, याद है? गेन डेबिट सैक्रिफाइस बहुत किया था हमने, इसको इस चैप्टर में भी थोड़ा सा करेंगे, याद है? वो वाला एक लॉजिक लगा दो यहाँ पर। यार एक बात बताओ, ए और बी 1/10 का सैक्रिफाइस कर रहे हैं गुडविल का, तो 1/10 × 50,000, 1/10 × 50,000, दोस्तों क्या दोनों के लॉजिक्स क्लियर हैं? 10,000 को 1:1 में कर देना या 50,000 का 1/10, दोनों के लॉजिक्स क्लियर हैं? जल्दी बताइए। 1, 2, इजी कौन सा है फिलहाल, आपको क्या लगता है इजी कौन सा है, 1 है कि 2 है? इजी कौन सा है, 1 वाला कि 2 वाला? मेरे हिसाब से तो बेटा 2 आसान है, क्योंकि ओ एक मिनट, एक मिनट भाई, मेरे हिसाब से तो दोस्तों, हाँ मेरे हिसाब से दोस्तों 2 वाला ज्यादा आसान है, क्योंकि हम इतनी देर से ऊपर सैक्रिफाइसिंग रेशियो करे जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 2 जो है वो ज्यादा आसान है। 1 बहुत दिनों बाद यूज करा तो 1 कैसे आसान लग सकता है, 2 ही आसान है, ठीक है, खत्म बात। लेकिन आपको एक बात बताओ, एक आने चाहिए कि दोनों आने चाहिए, जल्दी बताइए, एक आना चाहिए कि दोनों आने चाहिए, रीजन पता चल जाएगा आपको, आपको दोनों आने चाहिए, क्या रीजन है देख लेना। सेवेंथ क्वेश्चन दोस्त, सेवेंथ क्वेश्चन दोस्त, ए बी 3:2, सी आता है न्यू रेशियो 3:5:2, ठीक है बेटा, 3:5:2। चलो अब कैपिटल के लाता है ये सी, कैपिटल के लाता है 60,000 एंड गुडविल ऑफ फर्म दे रखा है 80,000। चलो बेटा शाबाश, एंट्री पास करते जल्दी बेटा, दो एंट्रीज होंगी, जल्दी से एवरीबॉडी इन द बैच। तो कृतिका बेटा आप पहले वो वाली वीडियो देख लो,
मैंने आपको टाइमिंग्स बता रखे हैं कि किस किस टाइमिंग्स में आप आ सकती हैं बैकअप के लिए, उन टाइमिंग्स में ज़रूर आ जाना, ठीक है? ट्राई करना आज ही आकर आज ही ले लो, ठीक है बेटा? क्लास ओके बोल दे एक बार कृतिका बेटा, यहाँ पर आपको ज़्यादा समझ नहीं आ रहा होगा, वो चीज़ आपको समझ भी आ जाएगी। जल्दी करिए बेटा, शाबाश। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। एक छोटा सा ट्विस्ट था, समझ गए बेटा? छोटा सा ट्विस्ट था, समझ गए थे बेटा? ओके यार, एक ही बात करते हैं। ए का क्या है, मतलब ये ना 3/10 का सैक्रिफाइस आएगा शायद, और बी की बात करेंगे तो शायद 1/10 का गेन आ रहा है। एक बार यस तो बता दो, ए का 3/10 का सैक्रिफाइस, बी का 1/10 का गेन, ठीक है? ओके आइए दोस्तों एंट्री पास करते। कैश टू सीस कैपिटल प्रीमियम फॉर गुडविल। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो बेटा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, चीजें मस्त मक्खन की तरह समझ आ जाएगी। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, बस सी की जरूरत नहीं है बेटा मुझे, भैया मुझे सी की जरूरत नहीं है, ठीक है? यहाँ पर आ गया 60,000। 60,000 का 1/5 का मतलब होता है 16,000, है ना? हाँ, टोटल आ गया मेरे पापा पापा 76,000, ठीक है? दूसरी एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल तो चलो डेबिट हो जाएगा यार, ए तो क्रेडिट हो जाएगा, बी क्या होगा? डेबिट के क्रेडिट। बी क्या होगा दोस्तों? डेबिट के क्रेडिट। दोस्तों रटवाने का तो रटवाया जा सकता है बेटा, सैक्रिफाइस वाला क्रेडिट होगा तो गेन वाला डेबिट होगा, लेकिन आप इस चीज को समझ पा रहे हो? मैंने आपको गेन डेबिट सैक्रिफाइस में इस कॉन्सेप्ट का लॉजिक दे रखा है कि जो गेन करता है वो डेबिट होगा और जो सैक्रिफाइस करता है वो क्रेडिट होगा। बिलीव आप लोग उन कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो दोस्तों? बी ऑब्वियस सी बात है, बी ऑब्वियस सी बात है, डेबिट होगा और ए जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। बी में आ जाएगा 16,000 रुपए, पीएफडी में आ जाएगा 16,000 रुपए। अब एक बात बताइए, अब एक बात बताइए, अब इस क्वेश्चन में तरीका नंबर 1 यूज होगा कि तरीका नंबर 2 यूज होगा? जल्दी बताइए दोस्तों, तरीका नंबर 1 यूज होगा कि तरीका नंबर 2 यूज होगा? जल्दी बताओ दोस्तों, 1 यूज होगा। तो आपको बेटा दोनों मेथड्स आने चाहिए बेटा, आपको दोनों मेथड। मेथड्स आने चाहिए अच्छे तरीके से, बस यही मेरी मांग है, दोनों मेथड्स आने चाहिए। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ए में आ जाएगा 3/10 × 80,000, आई विल सॉल्व इट फॉर 24, एक मिनट, आई विल सॉल्व इट फॉर 24,000 रुपीज, और ऊपर वाले में आ जाएगा 8,000 रुपीज। तो दोस्तों मुझे बस आपको ये चीज दिखानी है कि यार चीजें बहुत ही ज्यादा आसान है दोस्तों, ठीक है? और एक चीज मैं चलो आपको पहले से ही बता देता हूँ,
मैंने आपको प्रॉमिस किया था दोस्तों कि मैं महीने में आपको एक छुट्टी जरूर दूंगा, मैंने आपको प्रॉमिस किया था। और तो इसलिए मैं इस फ्राइडे मैं आप लोगों की क्लास की मैं छुट्टी कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब आप लोग भी चिल मारना, थोड़ा सा वीकेंड बनाना है, वीकेंड बनाना। मैं भी थोड़े से प्रेशर में हूँ। टेस्ट नहीं, अच्छा ईको का टेस्ट होगा, मुझे नहीं पता, मेरा नहीं है, मैं कोई टेस्ट नहीं ले रहा, कुछ भी नहीं ले रहा। अगर सनक गया मैं तो एक असाइनमेंट दे सकता हूँ मैक्सिमम, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ज्यादती ना करूँ। और मतलब मेरे तरफ से कुछ भी नहीं, ठीक है, मेरा कोई टेस्ट नहीं है, पिछला ही मैंने कमबख्त चेक नहीं करा, ये वाला तो क्या ही लूंगा मैं। तो पहले आप लोग ये अच्छे से एक बार करिए, मेरे तरफ से आपके फ्राइडे की छुट्टी है, वेंसडे को आना है, फ्राइडे की छुट्टी है, ठीक है, चिल मारना मेरे तरफ से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आई बिलीव इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जिसने पिछली क्लासेस और पिछले चैप्टर अच्छे समय समझे होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं है। यार एक बात बताओ, अभी तक मैंने आपको बताया हर केस में क्या सी प्रीमियम का पैसा ला रहा है, येस और नो? हर केस में क्या सी प्रीमियम का पैसा ला रहा है, एवरीबॉडी इन द बैच, येस और नो? येस, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि सी प्रीमियम का पैसा ना लाए? क्या ऐसा हो सकता है दोस्तों सी प्रीमियम का पैसा ना लाए? ठीक है, हो सकता है ऐसा। अगर सी प्रीमियम का पैसा नहीं लाता बेटा, तो मैं प्रीमियम को कुछ भी नहीं, उसके कैपिटल से निकाल लूंगा। अगर सी प्रीमियम का पैसा नहीं लाता तो मैं उसको उसके कैपिटल से निकाल लूंगा। आइए बस एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत आसान, इसके बस 3 एंट्रीज, उसके बाद आज की मैं छुट्टी कर दूंगा और अगली क्लास में फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस आपके शुरू कर दूंगा दोस्तों, ठीक है जी। ए बी ओल्ड रेशियो 3:2, सी आता है 1/5 शेयर के लिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1, कैपिटल के लाता है सीज, सीज डिटेल्स आपको दे रखी हैं, और ये कैपिटल के लाता है लेटेस्ट से 40,000 रुपीज, गुडविल ऑफ फर्म आपको दे रखा है लेटेस्ट से 50,000 रुपीज, और सी प्रीमियम के पैसे नहीं लाता। कट्टा का मतलब है कि सी प्रीमियम के पैसे नहीं लाता, ठीक है बेटा, इस कट्टे का मतलब है सी प्रीमियम के पैसे नहीं लाता, ठीक है। तो आइए जरा इस क्वेश्चन को मैं जरा करके दिखाता हूँ, आपको ध्यान से समझना, फिर आप ही करना, मैं इस क्वेश्चन को एक बार जरा करके दिखाता हूँ। कैश डेबिट 40,000 टू सीज कैपिटल, 40,000, यस और नो? सी कैपिटल के ला रहे 40,000, कैश टू कैपिटल 40-40, यस और नो? ये सही है, एकदम सही है, मजाक नहीं कर रहा, ये एकदम सही है, ये दिल विल नहीं तोड़ रहा मैं आपका, ये एकदम सही है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला कि भैया अगर सी प्रीमियम के पैसे नहीं लाता तो उसके कहाँ से निकाल लो, उसके कहाँ से निकाल लो? बोलो भाई, कैपिटल से निकाल लो। तो सीज कैपिटल टू ए टू बी, कितना अमाउंट कितना लिखूं यहाँ पर, जल्दी बताओ अमाउंट कितना लिखूं? लॉजिक सब सेम है, अमाउंट कितना लिखूं ये आप बता सकते हो? बताओ बताओ एवरीबॉडी, यार 2 दिन बच्चे थोड़ा ना पढ़ रहे हैं बैच में। 10,000, बहुत बढ़िया। किस रेशियो में बांटो, किस रेशियो में बांटो? 2:1, ठीक है जी, मतलब कि 6667 3333। अब अगर आपके पास ये आंसर आता ना तो आप लोगों की आप लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, मैं पता कुछ और बोलने वाला था, ठीक है। अगर आप लोगों के पास ये आंसर आता ना, आप लोगों को दिक्कत हो जाती, आप कहते सर क्वेश्चन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आंसर पॉइंट्स में आ रहे हैं, ऐसा क्या आपको कुछ भी बोलने लग जाते हो तुम लोग? बताइए दोस्तों, आसान था कि नहीं था, यस और नो? जल्दी बताइए, आसान था कि नहीं था, यस और नो? ठीक है, कई बच्चे ना मुझे इसका एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन देते हैं, और देखो लॉजिकल है, मैंने तो सोचने में मन रखा, ठीक है कोई बात नहीं बेटा। कई बच्चे ना एक ब्लंडर करते हैं, टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, सॉरी 40, 30, 10, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी, 10,000 बटेगा 6667 3333, 2:1 के रेशियो में। मैथमेटिकली सोचो तो ये दोनों सेम है, सोच के देखिए दोस्तों। फिलहाल ऊपर वाले केस के हिसाब से सी की कैपिटल कितनी है मेरे पास,
जल्दी बताओ, ऊपर वाले केस के हिसाब से सी की नेट कैपिटल कितनी है? नहीं, आईडी 40 कमाल कर रहा है भाई। अबे 40 का क्रेडिट, 10 का डेबिट, कितना है एवरीबॉडी? मैं जितना सोचता हूँ ना यार कि आप लोग चैंप होते जा रहे हैं, उतना आप लोग मुझे जमीन पे गाड़ते रहते हैं। 50,000, आई मीन सीरियसली, 30,000 इज द राइट आंसर। ठीक है, 40 का क्रेडिट और 10 का डेबिट, तो इसका मतलब है कि 30 का क्रेडिट बचा हुआ है ना, 30,000, यहाँ पर भी 30,000 लिखा हुआ है। ठीक है, और ए और बी जितने से क्रेडिट हो रहे हैं उतने से यहाँ पर भी क्रेडिट हो रहे हैं, प्रीमियम से प्रीमियम कट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैथमेटिकली ऊपर वाला मेथड नीचे वाला मेथड सेम है, लेकिन नीचे वाले मेथड को अगर मैं किसी को दिखाऊं तो वो क्या बोलेगा? सी प्रीमियम का पैसा ला रहा है कि नहीं ला रहा? नीचे वाले मेथड को अगर मैं किसी को शो करूं तो वो क्या बोलेगा? सी प्रीमियम का पैसा ला रहा है कि नहीं ला रहा? नीचे वाले मेथड को दिखाऊं, ला रहा है कि नहीं ला रहा? अपना दिमाग लगाइएगा दोस्तों, अगर मैं नीचे वाला मेथड किसी को दिखाऊं, ला रहा है कि नहीं ला रहा? तो तीन बच्चे जवाब दे रहे हैं क्या? यस और नो, ला रहा है कि लिए यस लिख दो, नहीं ला रहा कि नो लिख दो। अगर मैं किसी को नीचे वाला मेथड दिखाऊं, ऑब्वियस ही बात है, यस प्रीमियम फॉर गुडविल ला तो रहा है, ला रहा है, ठीक है, लेकिन इन रियल इज ही ब्रिंगिंग प्रीमियम, यस और नो? बट इन रियल इज ही ब्रिंगिंग सम प्रीमियम, यस और नो? नहीं, तो मुझे ऊपर वाले तरीके से शो करना है या नीचे वाले तरीके से शो करना है? जल्दी बताइए, ऊपर या नीचे, यू या एन? ऊपर वाले तरीके से ही शो करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही सिंपल सा था, और यार ये वाला क्वेश्चन तो मैंने ही कर दिया, तो मैं आपको दे रहा हूँ अब 8th क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको दे रहा हूँ 8th क्वेश्चन। ए बी 3:2, सी आता है 1/6 शेयर के लिए, कैपिटल के लाता है 40,000 रुपीज, और गुडविल ऑफ फर्म है मेरे पास लेट अस से 30,000 रुपीज। दो एंट्रीज दोस्तों, और ये प्रीमियम के पैसे नहीं लाता। दो एंट्रीज दोस्तों, इसके बाद दो क्वेश्चन और फिर आज की छुट्टी बेटा। करिए और डन लिख दीजिए दोस्तों जल्दी से। जल्दी 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 बेटा, अनुष्का राशि हो रहा है बेटा। ओके डन, कशिश डन, क्रिस डन, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके जी, बड़ा बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। कैश टू सीज कैपिटल 40-40, सीज कैपिटल कितना निकलेगा? 5,000 टू ए टू बी 3,200। कोई कोई बात नहीं अनुष्का, वाला मैसेज मुझे मिल गया, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं बेटा। एंड आई एम वेरी श्योर, आई एम डेड श्योर दोस्तों कि आप लोगों का 8th क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत बहुत प्यार से समझ कर लिया होगा। ठीक है, 8th क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत बहुत प्यार से कर लिया होगा। 9th क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान से करिएगा जरा। ओल्ड रेशियो 3:2, सी आता है 1/5 शेयर के लिए 2:1, कैपिटल 50,000, शेयर ऑफ गुडविल 15,000।
इसके बाद बस एक 10th क्वेश्चन और दूंगा, ठीक है। वंश कौन सा तेरा, 9th हो गया वंश तेरा, 9th हो, 8th, 9th हो गया। अरे शीटे तेजी में आज तो भाई। अच्छा कुछ काम पे फोकस कर रहा है, बातों पे कम। नाइस ब्रो, करो करो करो। अबे यार रिया कैसी कैसी बातें कर रही है बेटा। 30,000 का 1/6, 5,000 ही तो होता है, ठीक है। चलो चलो जल्दी करो बेटा, खत्म करो खत्म करो। एवरीबॉडी इन द बैच, ठीक है। 9th क्वेश्चन आई बिलीव बहुत प्यार से हो गया होगा। कैश सीज कैपिटल। अरे यार क्या हो रहा है भाई, एक मिनट बेटा। हाँ है। कैश सीज कैपिटल 50,000, 50,000 सीज कैपिटल ए टू बी। शेयर ऑफ गुडविल दे रखा बेटा, मुझे कुछ मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना है। 15,000 2:1 में बट जाएगा। दिस वुड लीड कितना होगा ये, 10,000 एंड 5,000। आई एम वेरी श्योर बेटा ये बच्चों वाले क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको। बस एक 10th क्वेश्चन और कर दो, बस एक 10th क्वेश्चन और कर दो जल्दी से। 10th क्वेश्चन, और ये प्रीमियम को वैसे नहीं ला रहा, जल्दी बेटा 10th क्वेश्चन। और बेटा यार ये ऐसी ऐसी यार ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए यार। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जल्दी बेटा 10th करिए। रुक जाओ यार, मैं क्वेश्चन नहीं बना पाता, तुम सोल्यूशन कर लेते हो, हद है भाई गॉड। रुक जाओ 2 मिनट के लिए। ठीक है मैं पहले ये कर लेता हूँ। ओके जी एक बार जरा देख लीजिए, डन। सब सारे फॉर्म में चल रहे हैं भाई आज तो। कैश सीज कैपिटल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कैश टू सीज कैपिटल 30,000, 30,000। शेयर ऑफ गुडविल जो है सी का वो 12,000 रुपए है, तो ऑब्वियस सी बात है सी के कैपिटल से निकलेंगे 12,000 रुपए, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इम्पोर्टेंट चीज है भैया, एक बात बताओ कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो आपने कैलकुलेट किया होगा, ए जो है वो कर रहा है कितना कर रहा भाई, 3/10 सेक्रीफाइस कर रहा है शायद। नहीं भाई 3/10 कर रहा है, 4/10 कर रहा है, एक और कंफर्म कर दो मुझे, 4/10 कर रहा है। सॉरी यार सॉरी यार, 4/10 सेक्रीफाइस कर रहा है। और बी क्या कर रहा है भाई, 1/10 गेन कर रहा होगा, ये तो 1/10 गेन कर रहा है राइट, 1/10 गेन कर, ठीक है जी। तो अब एक बात बताओ, गेन वाले को डेबिट करना पड़ेगा, तो बी की कैपिटल मेरी डेबिट हो जाएगी और एज कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। अब सवाल ये है दोस्तों, मैं जरा इंक बदल देता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा लाल हो गया। सवाल ये है दोस्तों, यहाँ पर आएगा 4/10 मल्टीप्लाइड बाय गुडविल, यहाँ पर आएगा 1/10 मल्टीप्लाइड बाय गुडविल। अब कमबख्त गुडविल की वैल्यू कितनी है बालक, क्या आप मुझे बता सकते हैं गुडविल की वैल्यू कितनी है दोस्तों।
बताओ बताओ बताओ, नाइस आंसर राशि। वो बताओ बे बाकी कहाँ गए? 40। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितने बच्चे कह रहे भैया बता दे 40 कैसे आया? एक बार मी लिख, कितने बच्चे कह रहे बता दे, कुछ बोलूंगा नहीं। रिया 4/10 इंटू गुडविल और 1/10 इंटू गुडविल आएगा, बस मुझे गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बेटा गुडविल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे यार? एक बात बताइए, शेयर ऑफ गुडविल कितना दे रखा है मुझे? 12,000। कैन आई